भगवान हमारे पिता हैं, हमारी देखभाल करते हैं। हम अपनी ड्यूटी करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन निरर्थक हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, ऐसा न करें। लोग प्रश्न करते हैं, हम भय को कैसे मिटाएं? देखिए, जितनी मात्रा में हमारी शरणागति होगी, भगवान के योगक्षेम वहन करने पर हमारा विश्वास होगा, उतना स्वाभाविक हम भय मुक्त हो जाएंगे। महाभारत का बड़ा मधुर प्रसंग है, जब दुर्योधन ने बार बार भीष्म पितामह को टॉन्ट किया कि पितामह, आप पांडवों के साथ लिहाज कर रहे हैं, यदि आप चाहते आप उनको खत्म कर सकते थे। तो भीष्म पितामह फील कर गए, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त तक या तो मैं पांडवों के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन को खत्म कर दूंगा, अथवा अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो उस दिन जब युद्ध समाप्त हुआ, भीष्म की प्रतिज्ञा की खबर सर्वत्र पांडवों के शिविर में फैल गई। सब लोग उदास हो गए, ये क्या, कल अर्जुन का अंतिम दिन होगा, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, वे प्रतिज्ञा के लिए विख्यात हैं, इसलिए उनका नाम है भीष्म, जो कठिन प्रतिज्ञा करके उसका पालन किए। श्री कृष्ण भी चिंतित थे, और चिंता करते करते रात के 2 बज गए। तो श्री कृष्ण ने सोचा, जब मैं इतना परेशान हो रहा हूं, अर्जुन कितना चिंतित होगा, जाके उसका थोड़ा हौसला बढ़ाऊं। श्री कृष्ण अपने तंबू से बाहर निकले और अर्जुन के तंबू तक पहुंचे। खर्राटों की आवाज आ रही थी, अर्जुन मस्ती में सोया हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, अरे इसे कोई परेशानी ही नहीं है। अपने सखा को जगाया, मेरे प्यारे दोस्त, तुझे खबर नहीं मिली कि भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की है? अर्जुन ने कहा, महाराज वो व्हाट्सएप मैंने भी पढ़ा था। तो तुझे कोई चिंता नहीं है? अर्जुन ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, जब मेरी रक्षा के लिए आप इतने चिंतित हो रहे हैं कि रात के 2 बजे तक आपको नींद नहीं आई, तो फिर मैं अपनी चिंता क्या करूं? व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। ये शरणागति है, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं इस बात पर विश्वास करना। लोग प्रश्न करते हैं, हम भय को कैसे मिटाएं? देखिए, जितनी मात्रा में हमारी शरणागति होगी, भगवान के योगक्षेम वहन करने पर हमारा विश्वास होगा, उतना स्वाभाविक हम भय मुक्त हो जाएंगे। एक और सुंदर उदाहरण से समझिए। एक नेवल ऑफिसर अपने विवाह के पश्चात पत्नी के साथ प्रथम समुद्री यात्रा में जा रहा था। अब जब जहाज मझधार में था, समुद्री तूफान में पकड़ा गया। अब समुद्र की इतनी बड़ी बड़ी लहरें और वो जहाज इस प्रकार से लुढ़के, वहां पर हाहाकार हो गया, सबके सब परेशान थे, किंतु ये नेवल ऑफिसर बिल्कुल निश्चिंत था। उसकी पत्नी बड़ी प्रभावित हुई। उसने कहा, पतिदेव, सब लोग इतने परेशान हैं और आप इतने शांत कैसे बने हुए? तो ऑफिसर ने अपनी तलवार निकाली म्यान से और उसके एज को पत्नी के सिर पर रख दिया। उसने कहा, श्रीमती जी,
मैंने तलवार की नंगी धार को तुम्हारे सिर पर रखा है, तुम्हें कोई भय लग रहा है? पत्नी हंसने लग गई। पति देव, किस बात का भय? आप मेरे पति हैं, मेरे हितैषी हैं। जब तलवार आपके हाथ में है तो मैं चिंतित क्यों हूं? नेवल अफसर ने कहा, इसी प्रकार से ये जो जहाज है, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान के हाथ में है, एवं भगवान मेरे हितैषी हैं। वे जो करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। अगर मर भी गए तो भगवान फिर इससे श्रेष्ठ जन्म दे देंगे, चिंता करने की क्या आवश्यकता? ये शरणागति का लक्षण कि भगवान हमारे पिता हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हम अपनी ड्यूटी करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन निरर्थक हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, ऐसा न करें। तो शरणागति का अब हमने तीसरा पॉइंट समझा। पहला पॉइंट क्या था? आनुकूल्यस्य संकल्प, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा रखना। दूसरा पॉइंट था उनकी इच्छा के विपरीत इच्छा नहीं रखना। अब ये तीसरा पॉइंट, रक्षिष्यतीति विश्वासो, पूरा भरोसा रखना। जैसे शरणागति बढ़ती जाएगी, भगवान पर, उनकी रक्षा पर हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। अब इसके आगे चौथा पॉइंट शरणागति का क्या है, हम लोग विचार करेंगे आज नहीं, कल।